व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, पूरी SLV परिवार को, इसी के साथ में आप लोगों के परिवार को, सबको अच्छे से एंजॉय करनी है, शानदार तरीके से फेस्टिवल को शानदार तरीके से एंजॉय करना है। और खासकर अगर बात करें, मिलजुल कर ये ऐसे सेलिब्रेट करने होते हैं फेस्टिवल, ताकि एक दूसरे के साथ में खुशियां बांट सके। वैसे गम तो बहुत बांटते हैं, खुशियां भी थोड़ी बांट लिया करो लोगों के साथ में, ताकि एक दूसरे के साथ में खुश रह सके। ठीक है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना और खुश रहना। एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में लेक्चर स्टार्ट करूंगा, हालांकि ये जो डे है मैंने नैनो मैगजीन वाले लेक्चर में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कल शाम 9 बजे पर, लेकिन फिर से आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में भी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। बात की जा रही है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन, यानी कि जब कोई इंसान जो है वो आत्महत्या कर लेता है, उसके रोकने की बेसिकली बात की जाती है। और ये इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी बड़ी ये दिक्कत बन चुकी है आज की डेट में। जब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कई बड़े बड़े केस निकल कर आए, सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस था उसको भी कुछ ऐसा ही बेसिकली बोलने की कोशिश की, सुसाइड किया। हालांकि अभी तक यहां पर ये साबित नहीं हुआ है कि वो मर्डर था या फिर सुसाइड, उसके ऊपर केस चल रहा है अलग अलग तरीके से। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखिए, ये मुद्दा काफी बड़ा एक गंभीर मुद्दा हो गया, खासकर जब से COVID-19 जैसी सिचुएशन बनी है। कई सारे लोगों ने तो COVID-19 के टाइम पर इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं उनको भी COVID-19 की बीमारी न लग जाए, क्योंकि इतना ज्यादा खौफ था समाज के अंदर। तो इनिशियल फेज में जब COVID-19 बीमारी आ रही थी, कई सारे लोगों ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि उनको जो बीमारी लगकर पता चला उनके परिवार को न लग जाए। तो ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिले। तो सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, ये इसकी थीम होनी चाहिए थी। यहां पर थीम भी हालांकि अच्छी रखी गई है, बोला गया कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि एक तरीके से आप लोग आशा की एक किरण क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ स्टेप उठाते हैं, कुछ एक्शन आप लोग लेते हैं। आज की डेट में जो सुसाइड है वो काफी गंभीर प्रॉब्लम होती जा रही है, खासकर जैसे समाज में हम लोग रह रहे हैं, कई सारी दिक्कत बन जाती है आज के डेट में। किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो काफी सारे बच्चे जैसे रिजल्ट आता है सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। कोई जॉब कर रहा है इंसान, उसकी जॉब छूट गई या कोई और दिक्कत बन गई, सुसाइड करता हुआ नजर आता है। कोई रिलेशनशिप में कोई फेल हो गया, वो सुसाइड करता हुआ नजर आता है। बिजनेस में कोई फेल हो गया, वो सुसाइड करता हुआ नजर आता है। हमारे किसान, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे किसान जो है वो आत्महत्या करते हैं, जब फसल यानी कि जो खेती में जो एक तरीके से जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसी खेती में एक तरीके से पैदावार नहीं होती है, फिर खेती नष्ट हो जाती है अलग अलग रीजन की वजह से, तो वो भी सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। तो सुसाइड एक बहुत गंभीर समस्या है समाज के अंदर में, पर लेकिन ये जो समस्या है इसका समाधान जो है वो भी समाज के अंदर ही है। अगर हम लोग मिलजुल कर जो दिक्कतें आती हैं उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो सुसाइड जैसी दिक्कत को हम लोग रोकते हुए या फिर बचाते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के आसपास में है जो कि काफी सहमा है, कुछ दिनों से लोगों से बातें नहीं कर रहा है, अपने नेचर के अपोजिट में जाके कुछ उसके एक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उससे बातें करो ताकि उसको कम से कम उस माहौल से आप लोग निकाल सको, वरना कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सुसाइड जो है वो सोल्यूशन नहीं है। अगर सुसाइड सोल्यूशन होता तो दुनिया में हर एक इंसान जो है सुसाइड करता हुआ नजर आता। सुसाइड जो है वो प्रॉब्लम से मुंह छुपाकर भागने का एक तरीका है, एक कायरतापूर्ण एक आप लोग व्यवहार बोल सकते हैं इंसान का एक तरीके से, पर लेकिन उसको पता भी नहीं रहता है जब ही जोन में आता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील किया होगा सुसाइड करने के लिए। हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसको लगता है यार सुसाइड कर लेना चाहिए, कि अब तो यही आसान तरीका है जिंदगी में, जिंदगी को आगे चलाने से अच्छा है, क्योंकि उसको आगे जिंदगी दिखाई नहीं देती है, लगता है कि यही एक आसान तरीका है, जिंदगी जीना टफ लगने लगा है, अब मरना आसान लगने लगा है। तो इस टाइम पर इंसान के पास में कोई अगर इंसान हो जो उसको बेसिकली नहीं कहते कि हौसला बंधा सके उसका, तो वहां से उसको निकाला जा सकता है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलानी है कि ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान की समझ में नहीं आता जो सुसाइड करने जा रहा है, पर हाँ अगर कोई साथ में हो तो उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाए अगर थीम आप लोगों से पूछ ली जाए, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी ताकि आप लोग इसके बारे में समझ सके। काफी शानदार क्वेश्चन रहेगा और काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप लोग इंजॉय करोगे लेक्चर को। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो आप लोगों को कल पूछा था, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, ये है यहाँ पर कुंचकिल जलप्रपात, यानी कि कुंचकिल वाटरफॉल। ठीक है, तो ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है? स्टेट के नाम दिए जा रहे हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर बताना है आप लोगों को ABCFD, जो भी सही आंसर होगा वीडियो के एंड में आप लोग देखिएगा। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है पंचायत के बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई है। बात की जा रही है मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, पहली स्टेट में। दूसरा बोला गया 74th क्वेश्चन अमेंडमेंट
ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो सही आंसर आप लोगों को देना है, ए में बोला गया, वन बी बोला गया, टू सी में बोला गया, बोथ डी बोला गया, नाइदर वन नॉर टू। तो कोई भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, बेसिकली ये पढ़ लिया, अगर ये करेक्ट पूछ रहा है फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये आप लोग माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, कई बार आप लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं इनका आंसर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है ब्रिक के बारे में, इसको बोलते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका, इसकी एक मीटिंग हुई है यहां पर अभी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो डिस्कस करूंगा ब्रिक के बारे में भी काफी अच्छे से, और कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो ये जो मीटिंग थी 13th मीटिंग अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली है, ठीक है। पहले आइए, इसके बारे में एडिटोरियल नहीं है, हालांकि इसके बारे में न्यूज है, पर लेकिन हाँ इसके बारे में एक दो दिन में आप लोग एडिटोरियल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो दिक्कत चल रही है उसको किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है क्या क्या आप लोग सोल्यूशन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मुद्दा है यहां पर, तो समझेंगे इसके बारे में। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, ताकि आप लोग आर्टिकल समझ सकें, और फिर इसके बाद में न्यूज एनालिसिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है काफी ये जो डिस्कशन है, ये वाला बेसिकली अफगानिस्तान से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को कई सारे ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, तो समझेंगे क्या क्या चीजें यहां पर, कुछ ये चीजें COVID-19 से रिलेटेड यहां पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये वाला जो आर्टिकल है ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है इसके बारे में बात की जा रही है। ये आर्टिकल भी अफगानिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या चल रहा है, पर हाँ अफगानिस्तान के रिलेटेड एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसमें कई सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये फिर से यहां पर एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल हम लोगों ने शायद 31 अगस्त में डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ शायद 31 अगस्त का था वो आर्टिकल, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली मैरिटल रेप के बारे में बात की जा रही है, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में जब हस्बैंड जो है वो फोर्स करता है वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, तो कितने सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम लोग को बेसिकली कोर्ट को यहां पर इसको देखना चाहिए था, जब ऐसा केस आया कोर्ट के सामने कि इसके ऊपर मुद्दा लेकर आना चाहिए था, पर वो उसको यूज नहीं किया जा रहा ढंग से। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि हम लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को, तो इसके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा, इसके बारे में आप लोग समझिएगा तो कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी कि क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिल रही है सोसाइटी के अंदर। ये साइड वाला छोटा सा आर्टिकल जो है यहां पर इंजीनियर की बेइज्जती की जाती है, जो भी इंजीनियर है उनकी बेइज्जती की जा रही है थोड़ी सी, खासकर जो बेइज्जती की जा रही है यहां पर वो बेइज्जती की जा रही है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की। बात की जा रही है कि हर साल काफी लाखों जो है कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं, पर लेकिन रियलिटी में जब यहां पर चेक किया जाता है उन कंप्यूटर इंजीनियर को, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये जो इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो भी मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, उसके हिसाब से जो भी इंजीनियर निकल कर आते हैं, तो कंप्यूटर इंजीनियर खासकर, तो 95% जो इंजीनियर है वो फिट नहीं रहते हैं उन जॉब के लिए, यानी कि एक तरीके से जो स्किल दी जाती है उनको वो स्किल जो है अप टू द मार्क नहीं रहती है, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं बेसिकली, वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारी दिक्कतें एजुकेशन सिस्टम में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग जो जो भी इंजीनियर है आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियर कहने के लिए तो आज के डेट में इंजीनियर है, पर लेकिन इंजीनियर हर एक फील्ड में है। आप लोगों को इंजीनियर आप लोग आईएएस देखने को मिलेंगे, इंजीनियर आप लोगों को किसी भी फील्ड में, कई सारे इंजीनियर बिजनेस करते हुए नजर आएंगे, कई सारे इंजीनियर जो है आप लोगों को टीचिंग फील्ड में नजर आएंगे, कई सारे इंजीनियर जो है आप लोगों को इवन आज के दिन में खेती करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जो है वो एक अलग ही पैटर्न बन गया, हालांकि एक अच्छी चीज हो जाती है कि एक अच्छे लेवल की नॉलेज हो जाती है, पर लेकिन रियलिटी में जिस डिग्री को लिया गया उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो कहने के लिए इंजीनियर है, और कोई भी इंजीनियर नॉर्मली अपने नाम के सामने इंजीनियर भी शब्द लगाता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि रीजन ये है कि जिस चीज के लिए काम किया गया था वो चीज जो है फुलफिल नहीं हो पाती है। रीजन इसका ये है कि जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि इंजीनियर जो है आज की डेट में वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फिट नहीं है, 4 साल में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। तो ये एजुकेशन सिस्टम की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दुर्गति होती है यहां पर नजर आती है, ठीक है। आइए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर बात की जा रही है मैरिटल रेप के बारे में। तो बोल जा रहा है कि यहां पर एंड एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो इंडियन जो वुमेन है खासकर, ठीक है, तो एक तरीके से उसके डिग्निटी के बारे में बात की जाती है। तो एन इंडिग्निटी टू द वुमेन अगर बात करें हम लोग, तो मैरिटल रेप के बारे में अगर आप लोग बात करिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है कि ये काफी एक गंभीर मुद्दा है,
जहां पर हस्बैंड को ही यहां पर काउंट किया जाता है कि वो यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैरिटल रेप हो रहा है तो हस्बैंड ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए, यानी कि एक तरीके से ये होगा चोर को ही बोला जा रहा है कि इस एरिया की देखरेख करना कि अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेसिकली। इसी तरीके से जितने भी बच्चों के साथ में जो सेक्सुअल अब्यूज होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में, वो परिवार का ही कोई यार दोस्त रिश्तेदार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हरकतें करता हुआ पाया जाता है, पर लेकिन लोग क्या रहते हैं इसी को इग्नोर करते हैं, परिवार को ही प्रोटेक्शन करने का बेसिकली उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। फिर से वही बात है, चोर के हाथ में ही बंदूक दी जा रही है यहाँ की रखवाली करने के लिए। तो ये सारे काफी बड़े मुद्दे हैं सोसाइटी के अंदर, पर लेकिन हम लोग बात करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर आज के दिन में बात करनी चाहिए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं निकाला, वो कोर्ट के अंदर केस पहुंचा तो उसको हाई कोर्ट के अंदर सॉरी तो उसने उस तरीके से नहीं देखा जैसा देखा जा सकता था। समझते हैं यहां पर, अभी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर ये बेसिकली इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसने रिफ्यूज कर दिया जब यहां पर मैरिटल रेप के बारे में बात की। एक बेसिकली यहां पर सिस्टम हमारी कंट्री में ऐसा है, आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन शादी करता है एक लड़की के साथ में, ठीक है, इसके बारे में अभी बात करूंगा मैं आप लोगों से, जो खासकर माइनर गर्ल है, ठीक है दोस्तों, उसके तो लिए आप लोग रेप का केस लगा सकते हैं, पर लेकिन अगर 18 ईयर से ऊपर है वो लड़की तो फिर यहां पर रेप का केस नहीं लगेगा, हस्बैंड जो है चाहे कितनी भी जबरदस्ती क्यों ना करे उस लड़की के साथ में, यानी कि एक तरीके से शादी जो है वो परमिट दे देती है उस इंसान के साथ में कि कितनी भी जबरदस्ती ये इंसान कर सकते हैं। तो सेक्शन 375 जो है रेप इंडियन पिनल कोड का, वो यहां पर अलाउ नहीं करता इस पर्टिकुलर मुद्दे को, अगर जो वुमेन है वो एडल्ट है, यानी कि एक तरीके से उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो फिर यहां पर ये बेसिकली उसको यहां पर इस पर्टिकुलर जो मुद्दे के अंदर छूट मिल जाती है, वो इंसान जो है उसके ऊपर रेप का केस नहीं लगता है। तो ऐसे ही चीज देखने को मिली। तो राइटर क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि दोगला चेहरा सामने निकल कर आ रहा है खुद कोर्ट का, मतलब क्या है, एक साइड में तो मैरिटल रेप का नाम देकर इंसान जो है वो डाइवोर्स ले सकता है कि हाँ उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ उसके साथ में गलत किया जा रहा है, और दूसरी साइड में यहां पर अगर वो यहां पर एक तरीके से उसी इंसान को एक एंटीसिपेटरी बेल दे दी जा रही है, यानी कि एक तरीके से यहां पर एंटीसिपेटरी बेल मतलब उसके ऊपर आरोप लगाया गया, जेल में जाने से पहले ही उस इंसान को बेल दे दी गई उसको कि हाँ कोई नहीं आप अपना आराम से लाइफ को एंजॉय करो। तो यहां पर आप लोग देखते हैं इसको इलीगल माना ही नहीं जा रहा है अगर वो शादी में रह रही है, अगर वुमेन यानी कि अगर वुमेन अपना डाइवोर्स यानी कि तलाक करना चाहती है तो ये सही है, वो तलाक ले सकती है, पर लेकिन उसको रेप नहीं माना जा रहा है अगर वो उसी के साथ में रह रही है। फिर ये क्या कैसा चक्कर है, हमारी कंट्री में 2012 में निर्भया वाला केस आया, उसके बाद में काफी बड़े मुद्दे निकल कर आए कि मैरिटल रेप जो है उसको बेसिकली अलाउ करना चाहिए यहां पर कि रेप की कैटेगरी में। जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में याद रखिएगा, रिकमेंडेशन इनके द्वारा भी इसको दी गई थी कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कैटेगरी में रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पर लेकिन कोर्ट भी यहां पर इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ये बोलता है जब इसके ऊपर कोई लो ही नहीं बनाए तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए राइटर ने बड़ा ही शानदार एक उदाहरण दिया है, हमारे संविधान में कोर्ट के हाथ में पावर रहती है आर्टिकल 142, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 142 क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि आज की डेट में अगर जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी में अगर कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन नहीं है जिसके हिसाब से यहां पर हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकें, पार्लियामेंट ने कोई लॉ यहां पर नहीं बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फुल पावर है, यहां पर पूरी जुडिशन है कि यहां पर वो उस मैटर के ऊपर ऐसा कुछ यहां पर एक तरीके से कानून प्रस्तुत कर सकते हैं जिसकी पावर इक्विवेलेंट होगी पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग, यानी कि जैसे पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है ऐसे ही पावर रहेगी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जब तक पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना देती है। तो अगर मैरिटल रेप के ऊपर पार्लियामेंट अभी लॉ नहीं बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके यहां पर कम से कम एक ऐसा पैरेलल में एक ऐसा लॉ प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे कि यहां पर जब तक पार्लियामेंट का लॉ नहीं आता है तब तक यहां पर कहीं से कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है सुरक्षित जो सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये काम कौन करता है, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है आर्टिकल 142 यहां पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, जिसके चलते इसका यूज किया जा सकता है। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका यूज नहीं करता है, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा कि वो इसको यूज करने से बचता है, माना जाता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो यहां पर लेजिस्लेटिव है उसके एरिया में एक इंटरफियर माना जाता है, ठीक है। पर लेकिन जब हाथ में दे रखी है पावर, जब पार्लियामेंट यूज नहीं कर रही है अपनी खुद की पावर को, तो फिर क्यों ना सुप्रीम कोर्ट यहां पर सोसाइटी में कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए अगर बात करें तो यहां पर इसका यूज क्यों नहीं करता है। तो ये कई बार यहां पर बातें निकल कर आती है, तो ये गलत है, इसके ऊपर यहां पर बात करनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि बात की जा रही है द नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया इज ए ड्रेडफुल सलर ऑन द डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट ऑफ द वुमेन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, यानी कि वैवाहिक जो बलात्कार है उसको गैर अपराधीकरण मानना ये महिलाओं की गरिमा और मानव अधिकार के ऊपर एक भयंकर एक भयानक कलंक है यहां पर ये।
तो ये है क्वेश्चन जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से देख लिया कीजिए, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से 150 शब्द में लिख लेना, और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में, ठीक है, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया कीजिए। अब मैं आप लोगों को यहां पर बेसिकली जो बताने जा रहा हूं वो यहां पर सारी राम कहानी आप लोगों को इस पिक्चर में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है अगर मैरिटल रेप देखने को मिलता है, तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दे जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। बोला ये जा रहा है सेक्सुअल अगर यहां पर वॉयलेंस देखने को मिलता है पार्टनर के द्वारा, तो 60% ऐसे केसेस निकल कर आते हैं कि जो बच्चा होता है उस पर्टिकुलर जो रिलेशन बनाने से, वो 16% यानी कि 16% बच्चे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका लो वेट पाया जाता है, यानी कि बेबी जो होता है वो हेल्दी नहीं होता है। देखिए जब कोई इंसान ना एक तरीके से जब इस तरीके क्रिएचर में जाता है कि हम उसको बच्चा पैदा करना होता है, तो एक तरीके से लव मेकिंग जो प्रोसीजर इसको बोला जाता है ये दोनों की सहमति से होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जबरदस्ती यहां पर तुम इस तरीके से हरकतें कर रहे हो, तो फिर ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि बॉडी जो है ना उसी तरीके से इंसान की बनी है। इंसान की क्या जानवर की भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब भी कोई जानवर बच्चा पैदा करता है, कोई इंसान बच्चा पैदा करता है, तो एक पूरा प्रोसीजर ये जो भी है ये एक लव मेकिंग प्रोसीजर की कैटेगरी में इसको रखा जाए, तो इसके चलते दोनों की एक तरीके से कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ कंप्लीटली उस पर्टिकुलर इंटरकोर्स में जाने के लिए दोनों तैयार हैं, तभी चलकर एक हेल्दी बेबी यहां पर होगा। अगर जबरदस्ती होगी रो पीट कर ये काम किए जाएंगे तो फिर यहां पर 16% जो बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट कम होता है, इसी के साथ में कई सारे बच्चे ऐसे हैं एक तरीके से जो कि गर्भ में ही मर जाते हैं या फिर अबॉर्शन उनका हो जाता है, ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्वाइस केस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर यहां पर डिप्रेशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, 1.5 टाइम मोर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरीके के मुद्दे में कई बार एचआईवी शिकार भी हो जाते हैं। देखिए एचआईवी जो यहां पर ये बीमारी है ना, एड्स की जो बीमारी है, एचआईवी वायरस जो आप लोगों को देखने को मिलता है, नॉर्मली इंसान क्यों है अगर किसी के साथ में फिजिकल इंटरकोर्स में जाते हैं तो वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हो सकता है सामने वाले इंसान को कोई बीमारी हो, तो यहां पर प्रोटेक्शन कई बार इंसान जो है वो यूज करते हुए नजर नहीं आते हैं, तो इसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर हस्बैंड है, घर में वाइफ है, बाहर किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, उसको बीमारी लग चुकी है, घर में आया वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए, वाइफ को बीमारी लग गई, बच्चा है उसको भी बीमारी लग गई, तो ऐसे भी बहुत सारे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि इंसान जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखाता है, एक जानवर वाला बिहेवियर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो इसी के चलते मैरिटल रेप जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वाइफ चाहती है इस चीज को रोकना तो ये रुकना चाहिए। एक तरीके से वुमेन का जो हक है उसका जो हनन किया जा रहा है यहां पर, महिलाओं को महिलाओं की तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है अगर उसकी शादी हो जाती है। यानी कि वही लड़की अगर शादी नहीं हो रखी है तो यहां पर उसको रेप मान लिया जाता है, अगर वही शादी होने के बाद में एक लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप लोग जिस तरीके से चाहें यहां पर जबरदस्ती कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है। तो इसी को बेसिकली बोला गया कि मैरिटल रेप जो है उसको आप लोगों को एक तरीके से इसको रेप की कैटेगरी में मानना चाहिए, कोई भी इसके खिलाफ आज के डेट में लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और अगर यहां पर कोई ऐसा नहीं कि अगर वाइफ जो है यहां पर अंडर 15 है तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी कैटेगरी में यहां पर इसको रखा गया, तो आप लोग रेप की कैटेगरी में इसको मानिएगा, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारी कंट्री ऐसी है जैसे कि यूएसए के बारे में बात करिए, यूएसए जो है मैरिटल रेप के ऊपर 1993 में पनिशमेंट, यहां पर मोस्ट ऑफ द जो पेनल्टीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसके ऊपर, ठीक है। ब्रिटेन में भी 1991 आगे चल के ये 2003 में, भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है छोटा सा देश, वहां पर भी आप लोगों यहां पर इसको ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया, पर हमारी कंट्री में पता नहीं है क्यों पार्लियामेंट या फिर हमारे जो लॉ मेकर है वो बार बार साइड से बचकर निकल जाते हैं, वो इसके बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, वो फिर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसको टच करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है अगर इसको टच किया तो और बहुत सारे मुद्दे निकल कर आएंगे, क्योंकि एक ऐसा लॉ है इसमें आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जबरदस्ती की गई है या जबरदस्ती नहीं की गई है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा पर्टिकुलर इंसान जो है, अब यहां पर एक तरीके से प्राइवेट इशू का यह मुद्दा आ गया, मान लीजिए कोई हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रूम में है, वो फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, अब आप लोग ये बताइए वो यहां पर जबरदस्ती कर रहा है या फिर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो जो ये वाली बात आएगी, हो सकता है कई सारी जो वाइफ है वो इसको अलग तरीके से मिसयूज करने स्टार्ट कर दें। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब से यहां पर दहेज प्रथा के ऊपर कानून आया तो कई सारे ऐसे केस भी निकलते पाए जाते हैं कि वाइफ जो है वो टॉर्चर करती हुई नजर आती है जो यहां पर लड़के की फैमिली को, कि तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हालांकि ये केस कम रहते हैं, मैक्सिमम केस तो ये रहते हैं कि जो महिलाएं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि तुम ये नहीं लेकर आई वो नहीं लेकर आई, और उसकी वजह से कई बार उनके ऊपर अत्याचार भी होते हैं और कई सारे मारने जलाने के केस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह कि कम से कम लो तो होना चाहिए ना, अगर लो ही नहीं है तो आप लोगों ने तो सारी चीजें अंधाधुन छोड़ रखी है तो उसको कैसे लेकर चला जाएगा, तो ये जरूरी है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अभी यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल सेंटर फॉर बेसिकली रिसर्च ऑन वुमेन के बारे में, तो यहां पर इनके द्वारा जब स्टडी की गई बोला गया हर 5 इंडियन, अगर बात करें हर 5 इंडियन मैन
एडमिट करते हैं कि एक तरीके से वो फोर्सफुल एक तरीके से वाइफ के साथ में इंटरकोर्स करते हैं। ये हर पांच में से एक इंसान एडमिट करता है कि वो जबरदस्ती यहां पर करता हुआ नजर आता है। ये एक सर्वे के अंदर पाया गया है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें एटलीस्ट वन इन थ्री वुमेन यहां पर उनको पीटा जाता है, फोर्सफुल उनके साथ में इंटरकोर्स किया जाता है। जब इंसान का मूड सही नहीं होता है, यहां पर कहीं बाहर कुछ दिक्कत होती है, तो तब यहां पर जबरदस्ती ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी सारी दिक्कतें हैं। आप लोगों को याद होगा उस दिन भी मैंने बताया था कि मिल्खा सिंह मूवी में आप लोगों ने अगर ये केस देखा होगा जब ये तंबू में यहां पर लेटे रहते हैं, तो यहां पर कुछ ऐसा ही मिल्खा सिंह की जो सिस्टर है उसके साथ में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। एक गुस्से की तरीके से यहां पर ये चीजें सामने निकल कर आती है। तो बोला यही जाता है कि क्या रियलिटी में यहां पर ये चीजें इस तरीके से सही है। अगर इसके बारे में बात करें तो इनके ऊपर बात बेसिकली करनी चाहिए। तो अभी बताया मैंने यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग बात करें 104 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी हैं जो कि क्रिमिनलाइज कर चुकी है मैरिटल रेप को, पर हमारी कंट्री सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए। तो इसके चलते यूएन की भी कई सारी रिपोर्ट आ चुकी है, उनके द्वारा भी इसके बारे में बात की जा रही है कि मोर देन 2/3 जो मैरिज वुमेन है इन इंडिया एज 15 से लेकर अगर 49 तक की आप लोग बात करें उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मैंने आप लोगों को बताया दिया इंटरनेशनल जो यहां पर मैन एंड द जेंडर इक्वलिटी जो सर्वे है उसमें बोला गया कि हर पांच में से एक मैन जो है वो एक्सेप्ट करता है कि पार्टनर के साथ में यहां पर गलत तरीके से बिहेव किया जाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर लो बनना चाहिए यस या फिर नो, आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि यार इसके बारे में बताओ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मान लीजिए इंटरव्यू में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए ऐसा सोचिए आप लोग इंटरव्यू में पहुंचे और आप लोग शादीशुदा है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। तो इनके ऊपर यहां पर बात करनी चाहिए। अभी हुआ क्या था, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर एक केस पहुंचा। तो यहां पर जब वाइफ ने बताया कि उसके साथ में उसका हस्बैंड ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर यहां पर एक तरीके से जबरदस्ती इंटरकोर्स करने के उसके ऊपर सेक्शन लग गए, ठीक है, क्रुएल्टी वाला सेक्शन लग गया पर रेप वाला सेक्शन नहीं लगा। तो रेप वाला सेक्शन हटा दिया उसके ऊपर से, तो तब यहां पर देखने को मिला कि मतलब ही क्या रह गया ऐसे रूल और रेगुलेशन का अगर आप लोग यहां पर इस तरीके की चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी क्या बोलने लगा, हाईकोर्ट बोलने लगा मुझे ये बताओ यार मैं क्या करूं, ठीक है यार मैं तो बाउंड हूं, मेरे हाथ में तो एक तरीके से कुछ है ही नहीं है, तो मैं क्या दे सकता हूं यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर ऑल सेक्स विद इन मैरिज ये कॉन्सेंसुअल मान लिया गया एक तरीके से कि यहां सही है, जो भी होगा दोनों की इच्छा से ही होगा, तो कोई भी कंक्लूजन यहां पर निकल के नहीं आता है। इसके ऊपर लॉ कमीशन के द्वारा भी यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि यार इसको देखो, इसको इंक्लूड करके चलो, ठीक है, ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते। ज्वाइंट कमेटी ने हालांकि रिव्यू करके डिसमिस कर दिया कि ये सही नहीं है, लेकिन ये ही बात बोली जा रही है कि एक अपॉर्चुनिटी हम लोग बार बार मिस कर दे रहे हैं। अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो राइट टू इक्वलिटी वाली जब बात आती है तो कहां रह गई है राइट टू इक्वलिटी, अगर आप लोग यहां पर देखिए तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, आप लोग इक्वलिटी दे ही नहीं रहे इस तरीके से। तो हमारे फंडामेंटल राइट का भी यहां पर हनन किया जा रहा है बेसिकली अगर वुमेन के बारे में आप लोग बात करें, जो कि पार्ट 3 में संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग को देखने को मिलते हैं। राइट टू लाइफ के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग देखते हैं ये भी एक दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है। इंसान की लाइफ जब डिग्निटी वाली नहीं रह गई है तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, राइट टू फ्रीडम वाली कैटेगरी में आएगा। तो कहां की डिग्निटी वाली लाइफ रह गई है, वुमेन की, उसके बारे में कौन बात करेगा, उसको भी कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोरेंस अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को बात करनी चाहिए। इवन अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि जो महिलाएं उनके खिलाफ जो भी अत्याचार किए जाते हैं उसके ऊपर अगर बात करें तो इसके द्वारा भी बोला गया कि काफी सारे यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो इनके ऊपर काम करना चाहिए। कम से कम यहां पर महिला की जो लाइफ है उसको डिग्निटी वाली और एक लिबर्टी वाली लाइफ यहां पर उनको मिलनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अगर इसके बारे में बात किया है तो उनके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को भी बोला कि क्रिमिनलाइज कर दे भाई साहब ये जो आप लोग मैरिटल रेप है इससे क्यों बच रहे हैं आप लोग। जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा भी ये रिपोर्ट दी गई जिससे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इनके द्वारा भी सेम बातें की गई है। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, यस या फिर नो, आप लोग अपना आंसर दीजिएगा और अगर टाइम मिले तो आंसर राइटिंग भी आप लोग थोड़ा कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 15 मिनट भी आप लोग निकालकर आंसर राइटिंग कर लेंगे देख लेना, अगर बिल्कुल ही तैयार नहीं है आप लोग का पेपर तो फिर अपना कंप्लीटली फोकस आप लोग पेपर पर देना जो कि प्रीलिम्स है, ठीक है। तो ये एक आप लोगों के लिए बेसिकली है क्योंकि आप लोगों के हिसाब से है ये, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, आप लोग खुद से डिसाइड करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के बारे में जो ये आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर भी आप लोगों से चीजें जो है पूछी जा सकती हैं। तो क्या क्या बातें एक एक कर यहां पर देख लेते हैं। अभी फिलहाल मुद्दा यहां पर ये निकल के आ रहा है कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उसके बारे में यहां पर ये मुद्दा है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आप लोगों से यहां पर कि
चाइना का प्रेजेंस अफगानिस्तान में इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल सकता है। तो अफगानिस्तान जो है काफी एक इमर्जिंग प्लेयर निकल कर आ रहा है, और सबसे पहले यहां पर जैसे यूएसए निकल कर गया तो चाइना ने यहां पर फर्स्ट नेशन बना, डिप्लोमेटिक चैनल स्टेब्लिश कर लिया अफगानिस्तान के साथ में। तो चाइना का जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वो भी हम लोग यहां पर जानेंगे। अभी यहां पर चाइना के एक मिलिट्री बेस के बारे में बात की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, ये यहां पर बेसिकली वाकन कॉरिडोर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारी चीजें हैं, अभी देखते हैं क्या क्या मुद्दे यहां पर बन सकते हैं। अभी पहले एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, इधर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा, यहां पर अफगानिस्तान आ गया, ठीक है, यहां पर आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, और ये अपनी प्यारी कंट्री है यहां पर। तो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, ईरान हो गया, चाबार पोर्ट है यहां पर, ये है गवादर पोर्ट। चाबार पोर्ट से गवादर पोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 72 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब थोड़ा समझते हैं कि चाइना इतना ललायत क्यों है यहां पर अफगानिस्तान में अपने स्टेब्लिश करने के लिए संबंध को। सबसे पहले बात की जा रही है चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम जो रिजर्व है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर। यानी कि आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग किसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल किसके ऊपर टिका हुआ है, वो बेसिकली बैटरी के ऊपर टिका हुआ है। वो बैटरी बनाने में क्या यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, वो है लिथियम। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि आने वाले टाइम में चाइना जो है यहां पर कोशिश ये कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो लिथियम रिजर्व है वो निकाल कर लेकर आ जाए, और चाइना के लिए काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके चलते चाइना यहां पर बिल्कुल नजर गड़ाए हुए है। चाइना एक सबसे एक इमर्जिंग इंडस्ट्री देखने को मिलेगा लिथियम आयन के रिजर्व को अगर निकाल तो पाया जाता है। अफगानिस्तान के अंदर और भी कई सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, लगभग 3 ट्रिलियन वर्थ के आप लोगों को यहां पर और भी कई सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो चाइना का उसके ऊपर भी काफी बड़ी नजर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक यहां पर कॉन्सेप्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, इसमें ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सिल्क रूट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से ये डेवलप कर रहा है, और यहां पर मैरीटाइम के थ्रू भी कनेक्ट कर रहा है। तो अफगानिस्तान भी इसके अंदर अगर निकल कर आता है तो वो कंट्री जो अब तक यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो भी इसका पार्ट बनती हुई नजर आएगी। तो इंडिया के द्वारा जब बोला गया कि इसका पार्ट न बनो, ये एक तरीके से डेट क्राइसिस में आप लोगों को डाल देगा। इसका मतलब क्या था कि एक इंसान को इतना सारा लोन दे देना कि वो अपना लोन चुकाने के लिए भी आप लोगों से लोन ले, इसको बोलते हैं डेट क्राइसिस में डाल देना इंसान को। चाइना ने श्रीलंका के साथ में ऐसा किया, और भी कई सारी कंट्री में जाकर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है कि उसको उसी से लोन लेना पड़ रहा है, उसी का लोन चुकाने के लिए। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आज की डेट में आ रही है। तो इस मुद्दे के ऊपर भी यहां पर बात की जा सकती है, जिसको यहां पर बेसिकली देखना चाहिए। तो ये काफी एक बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है एक तरीके से। तो ये यहां पर चाइना के लिए इसको एक एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर यहां पर ये मिल जाते हैं तो पेशावर टू काबुल यहां पर मोटरवेज बनाने की बात की जा रही है चाइना के द्वारा। जैसे अभी यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, पाकिस्तान को खरीद लिया है पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहां से होते हुए हमारी कंट्री के एरिया से भी वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अरेबियन सी में आता हुआ। तो चाइना आखिर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की जैसी जैसी गंदी हरकतें हैं आज के डेट में, अगर मैप में आप लोग देखेगा तो चाइना नॉर्मली अगर यहां पर इंडियन ओशन में आता है तो उसको यहां से आना पड़ता है, मलक्का स्टेट से होता हुआ, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में ये सारी कंट्री के साथ में चाइना की झड़प रहती है साउथ चाइना सी को लेकर। तो कल को चलकर कोई दिक्कत हो जाती है अगर चाइना का ये रास्ता बंद हो जाता है, तो चाइना ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर बना चुका है इस पर्टिकुलर एरिया में। इसी के साथ में अफगानिस्तान के रिलेशन बनाकर अब यहां पर ये जो सेंट्रल एशिया है उसमें भी काफी बड़ा अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो इससे काफी सारी दिक्कतें इंडिया को देखने को मिल जाएंगी अगर ये ऐसी हरकतें आगे करता हुआ नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ अगर नजर आता है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, अकॉर्डिंग टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से चले एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा चाइना के लिए, ईस्ट जो यहां पर तुर्किस्तान इस्लामिक जो मूवमेंट है, ठीक है। तो उसके चलते चाइना बोलता है कि उसके जो रूट है यहां पर, यूएन बोलता है उसके जो रूट है अफगानिस्तान के अंदर में, क्योंकि तालिबान और अलकायदा जो है वो यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं खासकर पुराने टाइम से। तो चाइना ये चाहता है कि चाइना के पास वाला जो जिंगजियांग वाला रीजन है कल को यहां पर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से भी ये अफगानिस्तान के साथ में अपने रिलेशन बनाना चाहता है। तो चाइना कई सारे मुद्दों के ऊपर दांव खेल रहा है, एक मुद्दे के ऊपर नहीं। इसी के साथ में अगर इंपैक्ट बोले चाइना और तालिबान इंगेजमेंट के इंडिया के ऊपर, तो आप लोग समझ सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होगी कि इंडिया ने बोला है कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसके चलते वो दूसरी कंट्री को बोल रहा है। पर लेकिन अगर अफगानिस्तान यहां पर तालिबान के अंडर में इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो इंडिया के अंदर जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा किए गए वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ह्यूमन के लिए काफी कुछ किया गया हमारे द्वारा यहां पर, हमारे द्वारा कभी यहां पर गेहूं वगैरह भेजे गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी हेल्थ से रिलेटेड हमारे द्वारा प्रोग्राम यहां पर चलाए गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने काफी कुछ यहां पर किया अगर बात की जाए अफगानिस्तान के अंदर में, ठीक है। ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए, कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारे द्वारा लगभग 3,500 अफगानिस्तान जो है
वो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में है इंडिया के अंदर में, उनको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। 500 के करीब इंडियन टेक्निकल और जो यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान को हम लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कई सारे यहाँ पर हम लोगों ने के द्वारा डैम भी बनाए गए, बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट किया गया, इनकी पार्लियामेंट बनाई गई, फ्रेंडशिप डैम आप लोगों को पता है सलमा डैम याद रखेगा, नई पार्लियामेंट, इसी के साथ में कई सारे मोटरेबल हाईवे रास्ते भी बनाए गए। कनेक्ट यहाँ पर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, चाबहार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे थे ताकि अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए हम लोग यहाँ पर ईरान से अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए यहाँ पर पहुंच सके, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू तो जा नहीं सकते यहाँ पर जैसी कंडीशन है, तो इसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, चाइना और तालिबान की अगर इंगेजमेंट होती है तो एक तिकड़मबाजी बन जाएगी जिसमें चाइना पाकिस्तान और तालिबान, यानी कि यहाँ पर चाइना पाकिस्तान और इसी के साथ में अफगानिस्तान, तो यहाँ पर तीन कंट्री अगर ये एक टुकड़े में आ जाती हैं और तीनों एक साथ में मिलकर काम करती हैं तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको काफी हर्ट करते हुए नजर आएंगे, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा बनता हुआ काफी नजर आएगा। और कई सारे इंपोर्टेंट मुद्दे हैं, चाबहार पोर्ट जो है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग समझ सकते हैं चाबहार पोर्ट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो काले ग्रहण लग चुके हैं, क्योंकि ईरान के अंदर काफी सारा इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा कर दिया है, तो चाइना ऑलरेडी ईरान को खरीद चुका है, पाकिस्तान ऑलरेडी बिक चुका है, अब अफगानिस्तान का नंबर है, और ये सारे पड़ोसी देश है इंडिया के, तो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, नॉर्मल सी बात है, तो हमारे लिए दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो मैप में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, याद रखिएगा इंडिया का जो फिलहाल अभी यहाँ पर ये जो रूट है यहाँ पर यूरोप के साथ में कनेक्ट करने का, तो यहाँ से होते हुए हम लोग जाते हैं मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहाँ पर नॉर्थ सी में, फिर यहाँ से नॉर्थ सी से आप लोग बाल्टिक सी में, तो ये कनेक्टिविटी का रीजन है। इंडिया एक और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से होते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा चीजें ले जाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन चाइना के चलते अभी यहाँ पर ये भी चीजें जो है वो इंपैक्टेड होती हुई नजर आएगी, तो ये मुद्दा हम लोग को समझना पड़ेगा। तापी पाइपलाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तापी पाइपलाइन में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और यहां पर इंडिया, तो इसके तहत ये गैस बेसिकली प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है तुर्कमेनिस्तान से निकलकर, पर लेकिन पहले तो यहां पर पाकिस्तानी दिक्कत था, अब अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा तालिबान आ गए, तो ये भी दिक्कत देखने को मिलेगी ऐसी पाइपलाइन में। अच्छा क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये जो पाइपलाइन है ये कौन सा पर्टिकुलर बैंक जो है यहां पर इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग बताना है, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर जो ब्रिक बैंक, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है ये आप लोगों को बताना है, तो ये भी यहाँ पर सदमे में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है यहाँ पर तालिबान के द्वारा, उसमें सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिनको यूएन के अंदर टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है, इवन ग्राउंड लेवल पर भी अफगानिस्तान के अंदर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ, पर लेकिन कोई क्या बोलेगा अब ये बताइए आप लोग, क्योंकि पावर इनके हाथ में आ गई है, तो पावर को ये अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, अब जैसे इनको करना है उसमें कोई क्या इंपैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा बन जाता है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से कि अफगानिस्तान में यहां पर चाइना के रिलेशन के साथ में, तालिबान के साथ में हमारी सिक्योरिटी और कई सारी चीजों पर क्या इंटरेस्ट पड़ सकता है, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तो इंपोर्टेंट मुद्दा है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो यहां पर मैंने आप लोगों से बोला था ये ब्रिक के बारे में, तो याद रखिएगा चार कंट्री तो यहां पर स्टार्टिंग में थी, जैसे रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील, आगे चलकर एक और कंट्री ऐड कर हो गई यहां पर 2010 में जिसको साउथ अफ्रीका बोलते हैं। तो अभी ये भी यहां पर अफगानिस्तान के मुद्दे के बारे में बात करें कि इंट्रा अफगान डायलॉग यहां पर होना चाहिए, ठीक है, तो 5 मेंबर ग्रुप जो है अडॉप्ट कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान ताकि इसको रोका जा सके, कल को चल के कोई भी दिक्कत यहां पर अफगानिस्तान के अंदर देखने को न मिले जब टेररिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया और रसिया ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपस में मिलकर काम करेंगे यहां पर, अभी देखने वाली बात यह है कि चाइना कैसे चीजों को यहां पर चाइना को टैकल कर पाते हैं हम लोग यहां पर। ये जो मीटिंग थी यहां पर 13th ब्रिक समिट आप लोगों को देखने को मिली 9 सितंबर को इंडिया के अंदर ये देखने को मिली, और इससे पहले इंडियन के इंडिया लीडरशिप थे यहां पर 2012 और 2016 में भी यहां पर ऐसी मीटिंग जो है इंडिया के द्वारा चेयर की जा चुकी है, ठीक है, तो इनकी तीसरी ब्रिक मीटिंग थी जो हमारे द्वारा यहां पर अभी चेयर की गई। तो यहां पर अभी जो है इसके चलते हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्लान तैयार कर रहे थे अर्ली की कैसे कैसे चीजों को लेकर चलने हैं। ब्रिक के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे, ऑल ओवर वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन ब्रिक कंट्री के अंदर में आती है, ठीक है, लैंड एरिया के बारे में बात करें तो 30% जो ऑल ओवर वर्ल्ड का लैंड एरिया ब्रिक के अंदर में आता है, 24% जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जीडीपी है यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस आप लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर यहां पर 24% देखने को मिलेगा। 16% इंटरनेशनल ट्रेड जो है ओनली ब्रिक कंट्री के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछे जाए।
ब्रिक के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो ये मैंने बताई दिया कि स्टार्टिंग में चार कंट्री थी जिसको ब्रिक बोलते थे और एस इसमें जुड़ गया 2010 में यहां पर पहली बार, ठीक है। तो पांच कंट्री यहां पर हुए 2010 में, बनाया गया था 2006 में। इसका जो नाम दिया गया था ये गोल्डमैन सैक्स असिस्ट मैनेजमेंट के जो जिम ओ'नील थे उनके द्वारा बोला गया था कि ऐसा कोई यहां पर एक ग्रुप बनाया जा सकता है, और पहली मीटिंग यहां पर इसके चलते 2009 में रशिया के अंदर देखने को मिली। तो फिर आगे चीजें चलनी स्टार्ट हो गई। इनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया जिसको ब्रिंक बैंक ही बोला गया। कंटिजेंसी रिजर्व बनाए गए 2014-15 में ताकि कोई दिक्कत देखने को मिले तो सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। तो कई सारी दिक्कतें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पहली मीटिंग यहां पर कहां थी, रशिया के अंदर, दूसरी ब्राजील के, तीसरी चाइना के, चौथी इंडिया के, और पांचवीं साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिली थी स्टार्टिंग की मीटिंग। फिलहाल अभी बात करें तो याद रखिएगा इससे पहले 2016 में इंडिया के अंदर हो चुकी है और अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये जो 13th मीटिंग है ये भी इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्लैरिटी माइंड में रहेगी तो अच्छे से आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीजें। एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा PLI के बारे में, इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जीएस पेपर 2 के अंदर भी पूछा जा सकता है यहां पर गवर्नमेंट जो यहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है उसके बारे में, या जीएस पेपर 3 में यहां पर ग्रोथ डेवलपमेंट या लिबरलाइजेशन के बारे में पूछे जाए। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम होती क्या है, मान लीजिए आप लोग आज के दिन में बोलने लगे कि हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट जो है वो आ रही है काफी ज्यादा, तो गवर्नमेंट आप लोगों को बोले ठीक है ये प्रोडक्ट तुम बनाओ, हम थोड़ी छूट देंगे टैक्स में तुमको, ठीक है, टैक्स जो लगाया जा रहा है उसके ऊपर हम लोग छूट देंगे। तो एक तरीका इंसेंटिव यहां पर मिल जाता है 4-6% जो यहां पर अगर बात करें, अगर कोई यहां पर आकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है तो हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस तरीके की स्कीम चलाएगी। तो मोबाइल फोन वगैरह अगर कंट्री के अंदर कोई बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको यहां पर देखा गया कई सारा इन्वेस्टमेंट अगर देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे कर रहा है उसके लिए, तो बोला यह गया कि यहां पर जो ये स्कीम है तो इसको आने वाले टाइम में 2019-20 से स्टार्ट करकर आने वाले टाइम में 4-5 साल के लिए यहां पर इंप्लीमेंट करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो स्कीम चलाई गई ये कई बार यहां पर न्यूज में देखने को मिलती है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। स्टार्टिंग में जो स्कीम लाई गई कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ानी है हम लोगों को, पर लेकिन आगे चलकर जो ये बोला गया और भी कई सारे एरिया में इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो बोला यह गया था कि अगर इस तरीके से आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर अगर कल को चलकर मोबाइल फोन जो है उनकी एक्टिविटी बढ़ती है तो आने वाले टाइम में यहां पर यह बात की जाती है लगभग 8 लाख के करीब नई जॉब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते कहने का मतलब यह कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होती है तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत हम लोग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को कि आइए हमारे देश में आप लोग व्यापार कीजिए, हमारे देश में आकर आप लोग यहां पर बेसिकली बिजनेस कीजिए ताकि हमारे देश के लोगों को भी यहां पर जॉब मिल सके, ठीक है। तो ये मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर ये इस तरीके से। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी अगर बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो जिनको MSME बोलते हैं, तो याद रखिएगा MSME जो होते हैं यहां पर इनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है इस तरीके के मुद्दे में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए। तो अगर 1 करोड़ से नीचे है तो आप लोग माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है तो स्मॉल बोलते हैं, और 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक है तो आप लोग मीडियम बोलते हैं, और फिर उसके बड़े तो उसके ऊपर तो फुल फ्लेज्ड कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें भी काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो ये याद रखिएगा आज की डेट में यहां पर ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में रह गए, ये बेसिकली जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है और भी कई सारे फील्ड में आज के डेट में घुस चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात यहां पर बोली जा रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, जो भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो वो एकदम तुरंत दूर होने चाहिए। जो भी चीजें इस मुद्दे के बारे में देखे, कोई भी टॉपिक ना अगर आप लोगों को लगे जो पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है तुरंत उस कंफ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ो, तभी लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी कई सारी कि हाँ यार ये चीजें हो गई, ठीक है। तो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी वो है न्यूज जर्नलिस्ट वाला पोर्शन। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट निकल कर आ रही है यहां पर ये है सेंट्रल से साइड से यहां पर अभी टॉप इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जो तैयार की गई है। तो पहले तो इंस्टीट्यूट याद रखेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टॉप 10 IITs के बारे में अगर बात करें तो कौन है टॉप 10 IITs या फिर आप लोग बोलते हैं टॉप 10 इंस्टीट्यूशन, तो IIT मद्रास टॉप पर है, ISC बेंगलुरु जो है वो सेकंड नंबर पर है जो मैनेजमेंट का है, फिर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, JNU जो है टॉप 10 के अंदर में आ गया है, और BHU तो यहां पर आप लोगों को ये भी यहां पर आप लोगों को टॉप 10 में देखने को मिलेगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये अगर पूछ ले कि मैनेजमेंट की कैटेगरी में किसके द्वारा टॉप किया गया है, तो मैनेजमेंट की कैटेगरी में जो दूसरे नंबर पर है वैसे यहां पर ये तो यहां पर टॉप मैनेजमेंट की कैटेगरी में आज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ISC बेंगलोर हो गया। ओवरऑल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो IIM अहमदाबाद आप लोगों को देखने को मिलेगा,
तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये रैंकिंग जो है ये आप लोगों के सामने है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया आप लोग कम से कम इसके बारे में रख सकते हैं अगर क्वेश्चन बन जाए। एक काफी बड़ी खबर आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो फोर्ड जो ग्रुप था, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी बनाते हैं कई सारी शानदार, इनके द्वारा जो चेन्नई है और इसी के द्वारा यहां पर ये सनंत के अंदर अपने प्लांट ये बंद किए जा रहे हैं। 4000 के करीब लोगों की जॉब यहां से जा रही है। तो यूएस बेस्ड कंपनी यहां पर, इसके द्वारा बोला गया कि लगभग यहां पर जो कॉस्ट पड़ने वाली है, ऑपरेटिंग जो लॉस होगा यहां पर 2 बिलियन का होगा और 4000 के करीब लोगों की जॉब जाएगी। तो यहां से ये अपने सिस्टम बंद कर रहे हैं। तो पहले गुजरात के अंदर बंद करेंगे 2021 में, फिर चेन्नई के अंदर 2022 में, तो पूरा ये सिस्टम यहां पर समेट रहे हैं। हालांकि बोला ये जा रहा है कि और भी कई सारे सॉल्यूशन यहां पर करते हुए आगे नजर आएंगे। बेसिकली इनके द्वारा आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है बनी बनाई चीजें लाई जाएगी। तो ये कुछ बातें, तो काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी इस टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर, तो सोचने वाला मुद्दा थोड़ा है, ठीक है। आगे बात करें, एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर कि 70 के करीब यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनका दौरा रहेगा अभी यहां पर लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आने वाले 9 सप्ताह के अंदर। जैसे अभी यहां पर यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो हैं, तो यहां पर ये एग्रीकल्चर के फील्ड में यहां पर है, तो इसलिए यहां पर अभी जाकर वहां पर एक एनालिसिस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसे आप लोगों को कई जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि कई सारे लोग यहां पर विजिट करते हुए नजर आएंगे, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है आने वाले टाइम में कैसे इंक्लूड करके चलना है जम्मू एंड कश्मीर को, बेसिकली पूरी कंट्री के साथ में, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके में ये बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। आगे नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, नेक्स्ट जो यहां पर छोटी सी न्यूज है यहां पर, बेसिकली ये बात की जा रही है ब्रह्मपुत्र के अंदर एक इंसिडेंट देखने को मिला, उसके अंदर अभी यहां पर 1 पर्सन की डेथ भी हो गई, यहां पर बोट जो थी वो टकरा गई, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये आसाम के अंदर में है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो आसाम के अंदर में, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये बेसिक है यहां पर, इसके बारे में आप लोग देखिएगा थोड़ा, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आप लोग यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नॉर्मली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको यारलंग ज़ेंगपो यानी कि सेंगपो बोला जाता है, जब ये तिब्बत में रहती है यानी कि चाइना के अंदर रहती है, फिर जब यहां पर ये एंट्री करती है बेसिकली आसाम के अंदर, इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। जैसे ये एंट्री करती है बांग्लादेश के अंदर जाती है, इसको जमुना के नाम से बोलते हैं, और पद्मा से मिलकर यानी कि जो गंगा है उसको पद्मा बोल देते हैं, और पद्मा से मिलकर यहां पर ये मेघना बनकर आगे चलकर गिर जाती है। आप लोगों को याद होगा गंगा सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा राज्य को बोला गया था इसके अंदर, ठीक है, नमामि गंगे के तहत। तो आप लोग समझ सकते हैं उड़ीसा बहुत दूर पड़ जाता है यहां पर, तो इससे डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। हुगली रिवर जो है वो यहां पर इंडिया के अंदर रह जाती है, और गंगा का जो पार्ट जाता है यहां पर बांग्लादेश के अंदर, उसको पद्मा बोल देते हैं। ये सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो है, सुंदरी ट्री है यहां पर इस एरिया में, उसके नाम पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा जाता है। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। आगे चलते हैं, शादी विवाह के बारे में आप लोगों ने सुना है यहां पर, अब इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किसी पर्सन के साथ में शादी करना चाहता है जो दूसरे रिलीजन का है, ठीक है, तो उसके चलते कई सारे राज्य जो है अभी रूल और रेगुलेशन लेकर आए, तो कई सारी बातें की गई। वैसे अगर आप लोग इसके बारे में बात करिए तो याद रख सकते हैं आप लोग, अगर यहां पर बात की जाए तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट के अंदर देखने को मिलेगा। पर लेकिन कई सारे राज्य ने ये लॉ बना दिया कि अगर कोई शादी करता है दूसरे पर्सन के साथ में और फोर्सफुल मैरिज की जाती है यहां पर, बेसिकली एक तरीके से विवाह जो किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि यहां पर धर्म चेंज करने के लिए, तो उसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली कई सारे राज्य के अंदर यहां पर ये इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 है यहां पर, तो उसके चलते केस निकल कर आ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर याद रखें तो ये सोसाइटल इशू के अंदर आप लोगों से टॉपिक बन सकता है, रूल और रेगुलेशन यहां पर एस्टेब्लिशमेंट आ रहे हैं, तो पॉलिटिक के अंदर भी टॉपिक बन सकता है आप लोगों से। बाकी अभी रिसेंटली क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंड किया गया था, जबकि हाई कोर्ट ने बोला कि ये सही चीज नहीं है, ठीक है। यहां पर इनके द्वारा बोला जा रहा है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है कि 3 से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है अगर फोर्सफुल किसी को कोई रिलीजन कन्वर्ट कराता है। तो इनके द्वारा गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो था 2003 उसके अंदर चेंज करके ये एक्ट लेकर आया गया। जबकि यहां पर बोलते हैं इशू ये है कि ये आर्टिकल 25 जो कि इंसान जो है इंडिपेंडेंट अपना रिलीजन लेने के लिए उसका एक तरीके से हन होता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालांकि बात करें इसके बारे में तो कई बार बात की जाती है कि देखिए इंडिपेंडेंट है कोई पर्सन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस भी देखने को मिले। तो यहां पर कई सारे ऐसे तरीके से कि इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि आप लोग, तो अच्छे से देखना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर एक इंटरफेथ मैरिज हो रही है तो एक दूसरे के साथ में और कम्युनिटी मिलजुल कर रह रही है, पर लेकिन वो चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया अभी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, समझिएगा इसके बारे में, एक इंसान है जो अफगानिस्तान का है, इंडिया के अंदर यहां पर रह रहा है, वो यहां पर गलत तरीके से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, तो उसके ऊपर लगभग यहां पर 13 लाख का अभी यहां पर पेनल्टी लग गया, ठीक है। यानी कि कस्टम कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहा था इस तरीके से,
तो यहां पर जब केस पहुंचा कहां पर, हाईकोर्ट के अंदर में, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में, तो उसने बोला कि मुझे जाने दो अफगानिस्तान में, मेरी फैमिली है, पता नहीं मेरा परिवार कैसा होगा, मैं वहां से आकर जो है यहां पर फाइन पे कर दूंगा। हाईकोर्ट ने बोला हम जो है बेवकूफ है क्या, अगर तुम अफगानिस्तान में एक बार चले गए तुम्हारे आने के चांसेस है, वहां से तुम आ ही नहीं पाओगे वहां पर। तो यहां पर ये बोला गया कि पहले आप लोग यहां पर, ये बेसिकली कस्टम एक्ट का जो सेक्शन 144 है उसके तहत यहां पर ये आता है कि आप लोग यहां पर फाइन पे करना पड़ेगा, जो पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। तो यहां पर उसने बोला है बेसिकली रेट ऑफ डिपॉजिट 20%। तो यहां पर ये सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। जो पिटिशनर है उसके द्वारा बोला गया 11 बच्चे हैं, उसकी फर्स्ट वाइफ है, ठीक है, जो कि यहां पर बेसिकली मिलिटेंट के द्वारा यहां पर काफी एक तरीके से बोला है 11 बच्चे और फर्स्ट वाइफ, ठीक है, हैज बीन किल्ड बाय द मिलिटेंट। तो ये सारी बातें उसके द्वारा बोली जा रही है यहां पर, लेकिन लो इज लो फॉर एवरी पर्सन ये बोला गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो यहां पर एक तरीके से रिजेक्ट कर दी गई उसकी प्ली अफगानिस्तान के अंदर जाने, क्योंकि वहां पर रिटर्न आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। आप लोग क्या लगता है यहां पर अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जिस तरीके से इसके द्वारा यहां पर बातें बोली जा रही है, आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, तो आप लोग यहां पर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। C-295 ये यहां पर अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो C-295 जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि काफी सारा सामान लाने ले जाने का काम कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर जो फोर्स है उसको भरकर काफी लार्ज स्केल पर कहीं ले जाना है दूसरे एरिया में, तो हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर अभी आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। देखिए हमारी कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, उसके बारे में अगर याद रखना आप लोगों, तो याद रखिएगा डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल यहां पर ये सारे डिसीजन लेती है, और कौन हेड करते हैं इसको, हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर यहां पर इसको हेड करते हैं डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल को। अभी यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है ये भी C-295 हम लोगों ने स्पेन से यहां पर अप्रूवल देखने को मिला, यानी कि स्पेन से हम लोग ये खरीद रहे हैं, तो ये हमारी कंट्री में भी देखने को मिलेंगी। एक्सपेक्टेड है कि 3 बिलियन की यहां पर डील है, तो हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर हो सकती है। 56 के करीब यहां पर खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी यहां पर बात की जा रही है थामिरा जो बरानी सिविलाइजेशन के बारे में, बोला गया कि 3200 ईयर ओल्ड है यहां पर। ये तमिलनाडु के जो यहां पर चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब, उनके द्वारा कार्बन डेटिंग यहां पर की कराएगी, मैं यहां पर बेसिकली मियामी लैब के अंदर, ये यूएसए के अंदर लैब है। देखिए कार्बन डेटिंग एक सिस्टम होता है, याद रखिएगा, और C-14 कार्बन यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, यहां पर ये चेक करने के लिए कि कोई भी जो चीज है वो कितनी पुरानी है। मान लीजिए कहीं मिट्टी का घड़ा मिला है उसके अंदर चावल वगैरह है, तो ये चेक करना कितने पुराने हैं यहां पर, इससे पता चलता है कि पुराने टाइम में भी चावल हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे अभी आप लोगों को यहां पर इजिप्ट के अंदर देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर कई सारे एरिया में आप लोगों को आंध्र प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, अभी रिसेंटली यहां पर उड़ीसा के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, तो इनको चेक किया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, तो इससे पता चल जाता है कि यहां पर ये जो सिविलाइजेशन कैसी है। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो कहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है, तो हम लोग तमिलनाडु के अंदर बात करें, ठीक है। तो आप लोगों से थोड़ा सा हिस्ट्री को भी करंट से अगर कनेक्ट करके देखेंगे ना आप लोग, तो कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 2+2 डायलॉग के बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट है 2+2 डायलॉग यहां पर। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है 2+2 डायलॉग के तहत अभी डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान के मुद्दे को भी। अफगानिस्तान एक काफी हॉट मुद्दा बना हुआ है, चाहे किसी भी कंट्री में आप लोग क्यों ना चले जाएं। 2+2 में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं और डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, तो दोनों मिलकर फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर यहां पर मीटिंग करते हैं, यानी कि दो हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर हो गए और दो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के हो गए, तो ये मिलकर यहां पर बात कर रहे हैं। तो जयशंकर साहब जो है ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके साथ में बातें कर रहे हैं, तो यहां पर इसी के चलते यहां पर अभी ये जो डायलॉग देखने को मिल रहे हैं ये इन मुद्दों के ऊपर बात किया जा रहा है। क्वाड को लेके कैसे चलना है आप लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का भी पार्टनर है, और कल ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मालाबार एक्साइज के बारे में। मालाबार एक्साइज में चारों क्वाड कंट्री अभी यहां पर आ गई है। मालाबार एक्साइज कहां पर हो रही है, आप भूले तो नहीं है, कल शाम ही डिस्कस किया था मैंने नैनो मैगजीन में, बताइए मालाबार एक्साइज कहां पर हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरा सी देर में पूछ जाएंगे, मैं भी इस क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा, तो उसमें भी मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मालाबार एक्साइज बेसिकली एक बायलेटरल एक्साइज थी 1992 में जब स्टार्ट की गई, आज की डेट में वो एक तरीके से वो चार कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक्साइज हो गई है, तो 2+2 डायलॉग अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक हाई लेवल डायलॉग आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें 2 डोज प्रिवेंट डेथ बाय 97.5% ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में याद रखना। ICMR के जो चेयरपर्सन है वो है बलराम भार्गव, ठीक है। तो बलराम भार्गव साहब जो है वो यहां पर ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में अगर दोनों डोज किसी पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाते हैं तो उस पर्सन के लिए यहां पर सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है बेसिकली कि ICMR के थ्रू यहां पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा रही है,
कि आगे चलकर अगर डोज सब ले लेने तो कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से हेल्थ को आप लोग सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ये जो बॉडी है आईसीएमआर, ये लगभग 100 साल से भी पुरानी है। 1911 में इसको बनाया गया था और हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं 2021 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी बोल सकते हैं वर्ल्ड के अंदर में आईसीएमआर, जो कि इस फील्ड में यहां पर काम करती है, नजर आती है। तो इसके द्वारा बोला गया, तो जो भी अपने डोज वगैरह हैं आप लोग भी जरूर ले लीजिएगा। आगे चलकर 1949 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम जो था वो बोलते थे IRFA। ठीक है, तो IRFA क्या था इसके बारे में आप लोग बताएंगे। चलिए आप लोग बताइए, वैसे बता चुका हूं। इंडियन रिसर्च FA के बारे में आप लोग बता दीजिए, इंडियन रिसर्च के आगे क्या लगाएंगे FA, इसका नाम आप लोग बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इंडियन रिसर्च। आगे आगे है यहां पर फंड एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका नाम चेंज किया गया 1949 में। आगे चलकर फिर इसको बोल दिया गया आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बात करें यहां पर हमारी कंट्री में उड़ान स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधे जो है, जो कि यहां पर कांग्रेस के लीडर थे, छोड़कर यहां पर बीजेपी के अंदर ऐड हुए, तो अभी यहां पर इनको एक बेसिकली वो नहीं कहते एक पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री दे दी गई है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो उड़ान स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो उड़ान स्कीम के बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक। तो जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है यहां पर हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा 2016 में। तो अभी यहां पर इसको एनालाइज किया जा रहा है कहां कहां पर ये स्कीम पहुंच चुकी है और क्या क्या मुद्दे हैं। तो अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। तो उड़ान जो फर्स्ट है यहां पर, उसके अंदर कई सारे लगभग उनके अंदर कई सारे यहां पर बेसिकली एरिया देखने को मिले। देखिए बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, पहले इतने एयरपोर्ट करने हैं, फिर इतने करने हैं। तो उड़ान 3 आ चुकी है अभी, जो कि टूरिज्म के ऊपर ही फोकस दे रही है, खासकर उन एरिया को कनेक्ट करने की बात करिए जो कि टूरिज्म को लेकर चल रहे हैं। अभी उड़ान 4 यहां पर जब लॉन्च की गई 2020 के अंदर में, उसमें और सारी चीजें रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। उड़े देश का हमारा की रीजनल कनेक्टिविटी फोर्थ राउंड में यहां पर इसका नाम थोड़ा सा बोल दिया गया RCS, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ताकि रिमोट एरिया को भी कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर खासकर लक्षद्वीप वाले कई सारे एरिया भी, उनको भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो बहुत कुछ काम किया जा रहा है उड़ान स्कीम में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे बात करें अफगानिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर आ गए, जैसे गवर्नमेंट यहां पर ये बना रहे हैं उल्टे सीधे लोगों को इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो काफी सारा प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। ये लग रहा है कि यहां पर जो आतंकवाद है वो यहां पर गवर्नमेंट चलाएगा, तो लोग जो है काफी गुस्सा है इन चीजों को लेकर, तो तालिबान के ऊपर गुस्सा फूट रहा है लोगों का, तो उसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में बात की थी यहां पर कि कहां पर पंचायत बनाएगी, तो मध्य प्रदेश नहीं था, याद रखिएगा, ये था राजस्थान। राजस्थान में भी यहां पर याद रखिएगा नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायत बनाई गई थी 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में। ठीक है, जब हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम बनाया गया, तो ये भी गलत हो गया यहां पर, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये बात की जा रही है यहां पर कुंचिल जलप्रपात या फिर कुंचिल जो वॉटरफॉल है उसके बारे में, तो कहां पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जो यहां पर एक पर्टिकुलर रिवर का भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यहां पर जो ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जिसका नाम है यहां पर वराही। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर कुंचिल एयर जो यहां पर वॉटरफॉल के बारे में याद रखिएगा, एग्जैक्ट एरिया आप लोगों के सामने कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी कैसा लगा लेक्चर आप लोग इसका बेसिकली फीडबैक जरूर दिया कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद, और यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं।